परछाइयों को मेरी मुकम्मल कर रहा है। ये है अरमान हाउस, जिसकी बुनियादों में सेठ जलालुद्दीन अकबर ने गुलाबी लश्करी और अमेरिकन सुंडियों की रोकथाम से कमाया हुआ पैसा लगाया था, और वो भी वाफर मिकदार में। जी हाँ, ठीक समझे आप, इस घर के मकीनों का खानदानी बिजनेस है पेस्टिसाइड्स। ये जो इंतहाई जलाली मूड में अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, ये हैं सेठ जलालुद्दीन, जिनका मानना है दुनिया में कोई ऐसा स्प्रे इजाद ही नहीं हुआ जो उनकी इकलौती औलाद के दिमाग में मौजूद लापरवाही के कीड़े को मार सके। आज अरमान के बीबीए के सेकंड लास्ट सेमेस्टर के शर्मनाक हद तक कम जीपीए ने इनका ब्लड प्रेशर हाई कर रखा है। जी जनाब, लाजमी देखती हैं। और इस वक्त अपने बेटे के कम जीपीए पे शर्मसार होने के बजाय पूल साइड पे अपने बेटे के हीरो बनने के ख्वाब देख रही हैं। ये जो बड़े फातिहाना अंदाज में केक उठाए अपने शानदार रिजल्ट की जबरदस्ती मुबारकबाद लेने और अरमान के वालदैन के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए पड़ोस में आ रही हैं, ये है चौधरी जलालुद्दीन के बचपन के दोस्त अब्दुल कुद्दूस साहब की इकलौती बेटी। बकौल अरमान, चालाकी, मकारी, अय्यारी और फनकारी के सारे इंग्रेडिएंट्स को अगर मिलाया जाए तो एक ही नाम बनता है, ज़ारा अब्दुल कुद्दूस। ये है अरमान जलालुद्दीन, जिन्होंने आज अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से बिलाखिर अपने वालदैन के सारे अरमान पूरे कर ही दिए। बीबीए में टॉप करना कोई मजाक तो है नहीं, लेकिन अरमान ने आज अपने वालदैन का ये ख्वाब पूरा कर ही दिया। सारा, मैंने टॉप किया और तुम फेल हो गई हो। क्या फेल? चाहे अपने ख्वाब में ही सही। टाइम देखा तुमने? Can't you see? I'm wearing this charcoal mask and khiras on my eyes. How can you see time? तुम्हें अब ऐसे काले मास्क की जरूरत नहीं है, ना ही खीरों की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे शहजादा सलीम ने हमारे मुंह पे कालक मल दी है। Have you seen his result? God's sake, जलालुद्दीन अकबर को कॉपी करने की कोशिश जरा कम किया करें। क्या अब नंबर कम आने पर उसको आप दीवारों में चुनवा देंगे? जाहिल औरत जलालुद्दीन ने अनारकली को दीवार में चुनवाया था। अनारकली भी नहीं बिचारी के पास, आपका क्या पता, इमोशनल होके अपने बेटे को ही सैक्रिफाइस कर दें। मैं कोई चंगेज खान हूं कि सैक्रिफाइस कर दूं अपने बेटे को? वैसे वो है कहां? कंबाइंड स्टडीज करने गया हुआ मेरा हार्ड वर्किंग बच्चा, आपकी तरह नहीं है। कंबाइंड स्टडीज? एक्सक्यूज मी, तेरे डैड की कॉल आ रही है। रख दे। अबे उठा ले फोन, मैंने तेरे डैड डैड कर देंगे यहाँ कर। हमने कहा था एटीएम मशीन का फोन मत उठाना। अबे शर्म कर, अपने बाप को एटीएम मशीन बोल रहे तू? अबे तो वो भी मुझे रोबोट ही समझते हैं। एनीवेज गेम खत्म करते हैं फिर चलते हैं घर। आजा। बड़ा
आपका ड्रेस अप हुई है, कहाँ जा रहे हैं? I'm going for a kitty party. Any problem? Yes, I have a problem. ये जो हर वक्त आप अपने बेटे को प्रोटेक्ट करती रहती हैं, उस वक्त आप मुझे काली चितकबरी सुंडी की तरह लगती हैं। And what about you? हर वक्त अपने बच्चों का खून पीने के लिए जो बाप तैयार रहते हैं ना, उनको बिल्कुल चुस्त चुस्त तीली कहते हैं। ये तुम्हारे जैसी माएं होती हैं, जो अपने बच्चों को तबाह कर देती हैं। अच्छा, and what about you? You're kind of abuse. उनके बच्चे तो भाग जाते हैं घर से, they run away. ओहो, मैं तुमसे इस वक्त बहस नहीं करना चाह रहा। मैं कद्दूस के घर जा रहा हूँ चाय पीने, प्लस जारा को मुबारकबाद देने उसके खूबसूरत जबरदस्त रिजल्ट पर। Oh really? You're going to see Zara? Please tell her the cake she sent me was awesome. I ate all of it. Mama, cake was awesome. Hey, मैं तो अपना मेहर पोश देके last episode. Yes. नेहरू जी. अरे मेरे रिजल्ट ने तो नींदें उड़ा दी है पड़ोसियों की, लेकिन असल मजा तो तब आएगा जब जलाल अंकल अपने जलाली अंदाज में बनाएंगे अरमान का कचूमर सैलेड और मैं निचोड़ के आऊंगी उसे खट्टा खट्टा लीजू। तुम्हें नहीं पता जब बचपन में मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया था ना कैंसर से, और इसके अम्मा अब्बा मुझे प्यार करते थे, तब भी ये आते जाते मुझे चुटकी काट देता था। गिन गिन कर ले लूं सारे बदले इससे। एक सेकेंड, जलाल अंकल आ रहे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या हो रहा है, हैं? अच्छा जी, पढ़ाइयाँ हो रही हैं, हैं? ये होती है ना होनहार और नेक औलाद। सॉरी जलाल अंकल, पापा ने जबरदस्ती केक भिजवा दिया था आपकी तरफ, वरना देखो बेटे, उस नालायक के खराब रिजल्ट से हमारा दिल खराब मत करो, तुम भी तो मेरी अपनी औलाद की तरह हो। देखो जलाल, मैंने तो अपनी बेटी को बता दिया है कि इस घर के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत साल पहले मैंने भी तुझे कुछ समझाया था कि छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू कर ले, लेकिन दिमाग में खन्नास भरा हुआ था सरकारी नौकरी का, क्या करते हैं। अरे असल इन्वेस्टमेंट तो ये मेरी बेटी है, ये करेगी ना इंशाल्लाह बिजनेस। जी नहीं, पहले मैं स्कॉलरशिप पर डॉक्टरेट करने जाऊंगी अमेरिका, उसके बाद करूंगी अपने बाबा के सारे ख्वाब पूरे। अरे वाह, काश मेरा बेटा भी इतना ही एम्बिशियस हो। यार जलाल देखो, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, बुरा मत मानना, लेकिन अरमान में वो बात नहीं है जो तुम में। हा? वो कैसे? वो बाप दादा की दौलत का खुमार उसके सर पर है, वो अपने करियर को सीरियस नहीं ले रहा। Come on बाबा, क्यों अपसेट कर रहे हैं आप जलाल अंकल को? ठीक हो जाएगा अरमान, आप लोग बैठ के गेम शुरू करें, मैं आप लोग के लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूं। ओके बेटा। चलो जी। अपने करियर को लेकर कितनी सीरियस है, देखो किचन भी संभालेगी और स्टडीज भी करेगी। हेलो मॉम, क्या टेम्परेचर है जलालुद्दीन के जलाल का? ओ माय डियर सन मानी, प्लीज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करो और घर वापस आ जाओ। क्यों, डैड ने मेरी कब्र खोद ली है? माय गॉड, खुदा ना खासा कैसी बातें करो, वो तो जारा के घर गए हुए हैं। ओ नो, हर रोज उस टॉर्चर सेल से ट्रेन होकर आते हैं और फिर निशानेबाजी करते हैं मुझ पर। ओके मिसेस जास, फिर बाद में बात होगी। नो व्हाट, आज तो बहुत रश है, ट्रैफिक कितना है ना, ऐसी की तैसी हुई हुई है। हाँ हाँ, चले आई विल कॉल यू लेटर। ओके बाय। हेलो मॉम,
वो छिटाक भर की लड़की अपने बाप के सारे ख्वाब पूरे कर रही है और यहाँ हमारी नालायक औलाद धरती का बोझ बढ़ा रही है। मिस्टर चौधरी, आप ऐसा करें कि अच्छी सी एंटी डिप्रेसेंट लेके सो जाएं, क्योंकि मेरी दीवानगी की किस्त में दोबारा देखने जा रही हूँ। दीवाना तो तुम माँ बेटे ने मुझे कर दिया है, मेरी जिंदगी के चलते फिरते अजाब हो तुम। हर अजाब इंसान पर उसके किसी अपने ही गुनाह की वजह से आता है, यू नो। बाय द वे, कहीं खुदकुशी करके मुझे बेवा ना बना दीजिएगा। उसकी सास मर गई है, छुट्टी पे गया, लेकिन तू छोड़ना यार, तू जाकर अंदर से दाखिल। तेरा बाप वैसे बहुत सख्त आदमी है कि मेरी ना छुट्टी कर दे इस दुनिया से। अबे यार ड्रामेबाजियां बंद कर बंटी, उधर देख लेगा बंटी, जल्दी कर। बड़ा आया बास्केटबॉल प्लेयर, दीवार तो चढ़ नहीं पा रहा। ओए भाई की इज्जत रख ले यार, बंटी तू जानता नहीं है जलालुद्दीन को। यार अरमान मुझसे नहीं चढ़ा, यार बचा ले भाई। बंटी बहुत ही बड़ा फट्टू है, चढ़ जा, नहीं कि चढ़ जा, प्लीज चढ़ जा यार, प्लीज। अबे अरमान मुझे बहुत डर लग रहा है यार। यार तू भी तो ड्रामे बाजियां तेरी खत्म नहीं हो रही। हेलो पुलिस, दो अदद हट्टी कट्टी डाकू एक घर की दीवार फिलांगने की कोशिश कर रहे हैं। Thank you very much. Happy birthday, everyone. हाँ जी, नेबरहुड में से किसी ने फोन किया था, डीआईजी को समझाना पड़ा मौसूफ की हरकत के बारे में। एक बात मुझे समझाओ, ये अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों आ रहे थे? हैं? Dad, I'm sorry. मुझे लगा आप लोग सो रहे होंगे। सो रहे होंगे? नींदें उड़ा दी हैं तुम्हारे रिजल्ट ने। पर कुछ ज़ारा से ही सीख लो। ज़ारा ने कौन सा ऐसा तीर मार दिया? क्या? Dad, नहीं था मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में। मुझे पता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है। लेटेस्ट लंबी लंबी गाड़ियां, कीमती गाड़ियां खरीदने में है। ये कोई किस्मत की पुड़िया से नहीं निकली, ये तुम्हारे बाप की हक हलाल की कमाई है। इतनी जोर से क्यों बोल रहे? मेरे बेटे पर इतना जुल्म तो ना करें। जुल्म तो तुम्हारा बेटा मुझ पे कर रहा है। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने कि बाहर इसको पढ़ने के लिए भेजूंगा। बाहर तो ये वैसे ही रहता है। I have an idea. मैं सोची थी कि इसको ना टेलीविजन ड्रामों के लिए ऑडिशन करवा देते हैं। किसी भी बड़े से बड़े एक्टर को टक्कर दे सकता है मेरा बेटा। फिलहाल तो मैं किसी दीवार को टक्कर मारने जा रहा हूँ। तुम अपनी जुबान में समझा दो इसको, अगर इसके इस सेमेस्टर में नंबर ज़ारा से बेहतर ना आए तो मैं इसको काला शाह काकू वाली फैक्ट्री में बिठा दूंगा। हाँ हजार दफा तुम्हें समझाए, अपने बाप को ना छेड़ा करो। अब वो ठीक ही कह रहे थे, ज़ारा को ही देख लो, अपनी स्टडीज को लेकर वो कितनी सीरियस है। ज़ारा 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 फॉर गॉड्स सेक मॉम बस कर दे। और इसी ग्रेडी फॉक्स ने की थी ना मेरी डैड को मुखबिरी, आज मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। बात सुनो, अगर तुमने उसका सर फाड़ दिया तो मरहम पट्टी करवाने हॉस्पिटल खुद ही जाना। We are not there for you, okay?
ये बाप बेटा पागल कर देंगे मुझे। यार मेरा बस चले ना तो स्कॉलरशिप के टेस्ट में भी तुम्हें ही बिठा दूं, बस एक बार जैक लग जाए मेरा, उड़ के चली जाऊंगी अमेरिका, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी फिर। ओह शॉर्टकट की रानी, पीछे मुड़। टफर अब करो ना पुलिस को फोन और बताओ डाकू आ गए तुम्हारे घर। हाँ आई स्वेयर बहुत अंधेरा था, नहीं पता चला कि तुम हो। झूठी, अगर तुम्हारी मरुमा माँ जाते भी ये ना कह गई होती ना कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना तो मैं मेरी मरहूमा माँ को बीच में मत लाओ। और जो तुम जबरदस्ती घुसती हो मेरी जिंदगी के हर मामले में वो ऐसे कौन से टॉम क्रूज हो तुम। हाँ और शट अप, अपनी लिमिट्स में रहो, समझ आ रही है? बढ़िया ही। तुम अपनी लिमिट्स में रहो, हाँ? और ज्यादा मेरा टाइम जाया ना करो। और हाँ, चाहते हुए की जरूर बंद कर देना। हाँ तुम्हारा मुंह है ना, ये ना टेप लगाकर बंद कर दूं मैं। अरे जाइए जाइए, बहुत देखे आपके जैसे, की जरूर बंद कर देना। Don't ever touch my face. Excuse me. सर ज़ारा कुद्दूस का घर यही है? क्यों? सर ऑर्डर किया उन्होंने? नहीं हलीम मंगवाई है, वो भी पूरे 5 किलो। घंटी बजा कर दे दे, सुबह उसी का खत्म है। जी? What a yummy Haleem. This girl is so talented. देखे कितनी अच्छी हलीम भेजी ज़ारा ने। थोड़ी सी अपने बेटे को चखाओ, इसको शायद कुछ अकल आ जाए। वैसे मस्त से। She is a perfect girl in every way. कितनी अच्छी कुकिंग करती है। Look at the Haleem, इतनी प्रिटी है। ये हलीम उसने बनाया? Of course yes, she told me herself. उसी ने बनाया। उसने सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाया। मेहनत कर, हसद न कर। I don't know what's wrong with you. Why are you against her all the time? इतनी प्यारी बिन माँ की बच्ची है वो। Manipulator है वो, बिन माँ की बच्ची और कुछ नहीं। ये सियासतदानों की तरह हर वक्त इल्जाम तराशी मत करता रहे। तो जी ट्राई करो। ओह थैंक यू सो मच, आपका है। देखो जरा गद्दा बच्चा। अरे भाई पड़ोस में बड़ी तारीफें हो रही है तुम्हारी हलीम की। जी पड़ोस में तुम्हारी हलीम की बड़ी तारीफें हो रही हैं। थैंक यू बाबा, सारी दोपहर मेहनत करके बनाया था। और मैंने जलाल को भी कहा कि अगर तुम्हारे 10 बेटे भी होते ना तो मेरी बेटी की सलाहियतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बस बाबा आपकी दुआएं सारी, मैं जरा अपना असाइनमेंट कम्प्लीट कर लूं। ठीक है बेटा, दिल लगा के पढ़ो। क्या बात। अशरफ आया साहब जी, आया। ओ आया भाई, जल्दी कर, लोग इंतजार कर रहे हैं। आ गया साहब जी, ये लीजिएगा। लेकर भाई अरमान। ओ इधर आ। या अल्लाह बचा ले। मौत का फरिश्ता नहीं हूं जिसे देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं डैड, वो असल में लंबा ट्रैक लेना था इसलिए मैं। ये तुम्हारी लंबाइयां तो मैं बाद में नापूंगा। बाहर गेट पर कदोस और ज़ारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ जॉगिंग पे चल। कम ऑन। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ओ माय गॉड, दे हैव किडनैप्ड द गर्ल। क्या करेंगे अब? ये औरत ला इलाज है। मॉम प्लीज दुआ करें अल्लाह ताला मुझे जिन्नों से बचा के रखे। क्या हो गया तुम्हें? गुड बाय ड्रामा क्वीन।
मालिक तुम वापस आओ, मैं तुम्हारे जिन निकालती हूँ। ले जिन निकालती, जिन कैसे जिन निकालेगा? चीकू किडनैप करके कहाँ ले गया, मेरा सारा टेम्पो तोड़ दिया इसने, गंदा बच्चा। इसको तो छोड़ ही देना चाहिए, खामखा ही तुम्हारे घर में रहती है ये। नो नो नो, ये तो नहीं होना चाहिए। व्हाई डोंट यू लीव हर? क्या है अरमान, क्यों निकाल दी मेरी टूटियां? अल्लाह, इतना मजे का जहरीला ट्विस्ट आने वाला था अभी मेरे ड्रामे में। जहर तो भरा है बाप बेटी ने मेरी जिंदगी में। अरमान, तुम क्यों खामखा के लिए उसके साथ पर्सनालिटी क्लैश में मुब्तला हो? व्हाट्स रॉन्ग विद यू डार्लिंग? जब इंसान मुकाबला ना कर सके तो वो अपने मद्दे मुकाबिल के खिलाफ बुक्स पैदा कर लेता है। अगर हिम्मत है ना तो ये जो स्कॉलरशिप वाला इम्तिहान है ये मुझे पास करके दिखा, तो फिर मैं तुझे मारूंगा। अरमान, अरमान नाश्ता बेटा, क्या करते हैं आप भी? खामखा नाराज कर दिया। जवान बेटा नाराज होके चला गया तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? बुढ़ापे में हमें कुछ पानी पिलाने वाला नहीं होगा, समझने की कोशिश करें, दो घूंट पानी भी नहीं हम पी सके। देखो, तुम सिर्फ ड्रामे देखा करो, ड्रामे किया मत करो। जब इंसान मुकाबला ना कर सके तो वो अपने मद्दे मुकाबले के खिलाफ बुक्स पैदा कर लेता। अगर हिम्मत है ना तो ये जो स्कॉलरशिप वाला इम्तिहान है ये मुझे पास करके दिखा, तो फिर मैं तुझे मारूंगा। थोड़ी ना इतने बड़े चश्मे लग गए मुझे। सबके प्रिंट आउट्स निकाल दिए ना? यार वो बिजनेस मैनेजमेंट रह गया है, वो मैं तुम्हें बाद में मेल कर लूंगी। अबे यार, अच्छा प्लीज याद से कर देना, प्रोफेसर हाशमी सबसे पहले मेरी असाइनमेंट चेक करते हैं, आफ्टर ऑल फेवरेट स्टूडेंट जो उनकी। पहले कभी मायूस किया है तुम्हें? मैंने भी तो नहीं किया। ये लो, और खबरदार अपनी असाइनमेंट बिल्कुल डिफरेंट बनाना। डोंट वरी, मुझे वैसे भी जीपीए से कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी तुम्हारी फाइनेंशियल सपोर्ट से ना मेरी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये दोनों लंगू टेरेस पे खड़े क्या कर रहे हैं? तो बता, आईसाइट वीक से वीक होती जा रही है इस चश्माटू की, और जीपीए बढ़ रहा है इस अमेरिकन सुंडी का। बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है ये साइंस तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। लेकिन तू एक बात बता, तू क्यों इतना डेस्परेट हो रहा है? अबे यार, बिग बॉस ने दिमाग की बत्ती गुल कर रखी है, किसी भी हालत में उनको इस अफलातून से ज्यादा मार्क्स चाहिए। अबे अफलातून से याद आया, कल तो लास्ट डेट है असाइनमेंट जमा करवाने की, और ये लोग भी मेरे से इसी के लिए वर्किंग कर रही हैं। डैम बंटी, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल, क्या करूंगा मैं। ढाका मार पड़ोस में, फिर दोनों भाई मिल बैठ के खीर खाते हैं। Bad Bunty, not bad.
I don't think I can wear this also. Because ये भी इंस्टा पे छपा था तो वह लोग इस पीछे ही पड़ गए थे मेरे से. अच्छा फिर आप ये बताएं, ये तो बहुत ही प्यारा है. I think I'm bored of my stuff. I need to do some shopping. अगर आप इतनी बोर हो गई इनसे तो किसी को दे दें. हाय, मैं तो कभी किसी को अपने कपड़े ना दूं. कैसी बातें कर रहे हो? ये तो बहुत ही प्यारा है. प्यारे तो सब कपड़े हैं, मगर पहन लिए ना चार चार दफा फिर. अरे मॉम ये देखें, आपके फेवरेट ब्रांड पे पूरा 70% ऑफ. ओह वाओ रियली? मी चेक ऑन माय फोन. हाय मेरा बच्चा कितना प्यारा है, उसको मेरा कितना ख्याल है. वाकई एक से एक बढ़कर ये तो बहुत जबरदस्त है. वैसे मॉम मेरी माने तो अभी चली जा ना, सारे अच्छे कपड़े निकल जाएंगे. ओ हाँ, जब कोई नया स्टोर लॉन्च होता है तो औरतें तो अपने बाल नोच लेती हैं. मुझे जल्दी जाना चाहिए. अरे मॉम वो उस कनिंग फॉक्स को भी ले जाना उनके साथ. क्या मतलब है, जारा की बात कर रहे हो? वेरी बैड. और नहीं तो क्या, कुछ थर्ड क्लास ड्रेसिंग करती है वो. मॉम आपके साथ जाएगी तो टेस्टफुल कपड़े भी ले लेगी और आपके शॉपिंग बैग्स भी उठा लेगी. गुड आइडिया. पता है द अदर डे शी वाज टेलिंग मी कि हम इकट्ठे चलेंगे शॉपिंग के लिए. मैं उसको अभी फोन करती हूं. नहीं नहीं नहीं, आप क्यों कॉल करेंगे, मैं हूं ना, मैं अभी लेकर आता हूं उसे. डॉन का टुकड़ा, ये देखना दरदाना कितना प्यारा है. मैडम बहुत बहुत प्यारा है ये तो. और ये रंग देखा बिल्कुल आप. अच्छा सुनो, जाओ जाके देखो किचन में तुम्हारी हांडी सड़ गई. चलो जी. हेलो, देख तो ऐसे रही हो जैसे किडनैप करने आया हूं तुम्हें. ये बैठे बिठाए अचानक प्लान कैसे बन गया? जहां तक मुझे याद पड़ता है प्लान बैठे हुए नहीं, खड़े होकर बनाया था उन्होंने. चलना है तो चलो, नखरे मत दिखाओ. लेकिन मेरी असाइनमेंट है, मुझे पढ़ना है. ठीक है, मॉम को कह देता हूँ. तुम कह रही थी टाइम वेस्ट होगा. अबे ओ डफर, मैंने ऐसा कब कहा? तुम होगी डफर. चलना है तो चलो, don't waste my time. Don't waste my time. Mister. चलो. अस्सलामुअलैकुम अंकल. वालेकुम अस्सलाम बेटा. अस्सलामुअलैकुम डैड. वालेकुम अस्सलाम बेटा. वो कुतुस अंकल, सारा की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक चाहिए थी. तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत तो आपकी ठीक करूंगा अंकल, ऐसी जगह घुमाकर फेंकूंगा आपकी बेटी को कि गूगल भी ना ढूंढ पाए. अंकल भैया, अगर मेरी औलाद ने ये डिसाइड कर ही लिया कि आज उसने पढ़ाई करनी है तो किताब दे दे. जाओ बेटा, जाके जारा के कमरे से ले लो और इरादा ना बदलना. जलाल, क्या चाल चली है तुमने यार? चाल तो मैं ऐसी चलूंगा कि आपकी बेटी के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी. थैंक यू अंकल, थैंक यू. क्या करूं यार, ये तो तुमने कमाल कर दिया. Thank you.
तो उस्तादों की भी उस्ताद निकली, मेहनत किसी की और ग्रेड्स किसी और के। तो तेरा बैंड बनेगा ज़ारा अब्दुल कुद्दूस। हाय कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब। How romantic. God, I love this. I'm sorry. आंटी, जलाल अंकल कब भेजेंगे गाड़ी? जेनी, I just spoke to him. वो भेज रहे हैं ड्राइवर को, बस अभी निकला ही ऑफिस से, आता होगा। हमारी गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। Oh, sweet. आंटी, 10 बजे क्लास है मेरी, असाइनमेंट जमा करवानी थी आज। जेनी बस वो आ रहा है ना, टोल्ड यू अर्लियर, लेट मी जस्ट फिनिश दिस। ओके मॉम, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। लव यू, लव यू माय गर्ल। बात सुनो। हाँ बोलो। मुझे भी ले जाओ ना साथ। अच्छा ऐसा करो कि फ्रिज में पाइनएप्पल जूस पड़ा है, तुम वो ले करो जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। बाय मॉम। गुड बाय। बाय। खुदाफिज़ आंटी, खुदाफिज़। उफ, ये मुझे बड़ी जहर लगती है। ये कहाँ गया? अशरफ बाबा। जी बीबी जी। अरमान कहाँ गया है? वो तो यूनिवर्सिटी चले गए, वो कह गए थे कि आपको बता दूं। टफर, टायर पंचर हो जाए, चाहे लूं मैं राइड ही मंगवा लेती। तो प्रोफेसर हाशमी नहीं छोड़ेंगे। दोनों असाइनमेंट्स में कोई फर्क नहीं। अब आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि किसने किसकी चीटिंग की है, या मैं अपने तरीके से पूछूं? सर आई स्वेयर ये मैंने बनाई है। सर मैं तो कल रात ही आपको ईमेल कर दी थी। एंड यू हैव इट। सर इसने कॉपी की होगी मेरे घर आके। Very funny. बिल्कुल भी नहीं सर। ऐसा करें गिनकर 3 सवाल कर ले असाइनमेंट से, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों सारा? Fair enough. Hi, Mrs. Mansoor. Please find me a good girl for my money. You know. कोई प्रिटी सी, प्यारी सी, पिटीट सी, फुली लोडेड ब्रांडेड लड़की हो ना, तो मैं उसकी शादी कर दूँ। पता है क्या प्रॉब्लम है, मैं ड्रामों में जो लड़कियाँ देखती हूँ मुझे इतनी प्यारी लगती है, लेकिन जब मैं किसी के बारे में सोचती हूँ पता चलता है उसकी शादी हो चुकी होती है। हाँ कोई ऐसी लड़की हो ना जो देखने में प्यारी भी हो और मुझे भी पसंद कर ले। बिल्कुल, आई विल वेट फॉर योर कॉल। ओके, थैंक यू। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आपने तो सारा का सारा असाइनमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया। सर प्लीज विद योर परमिशन, अगर आप एक एक और सवाल कर लें तो कंफर्म हो जाएगा। सर आई थिंक देयर इज समथिंग। समथिंग? नथिंग, यू नो नथिंग ज़ारा। एक भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया आपने, और फिर भी आपके सारे के ये असाइनमेंट आपने बनाई है। Excuse me, sir. May I say something, please? Hello. Sir, कल रात आई थी हमारे घर,
यार, वहीं से उड़ा के ले गई सारी मेरी मेहनत। नहीं सर। That's bad. That's very bad. Very bad. बेवकूफ समझ रखा। चलो सुना नहीं? Get out, smarty pants. Excuse me, sir. With your permission, may I leave? Thank you, sir. Zara, Zara, मैंने तुम्हारे assignment सलमान को नहीं दिए। फिर कहाँ से copy paste मारा है तुमने? मैंने खुद ही books consult करके अपने हाथों से लिखे। अच्छा, फिर तो बड़ी chemistry match हो रही है ना तुम्हारी अरमान जलाल के साथ? Bye bye, Zara, Abdul Quddus. देखा तुमने? अब यकीन आ गया तुम्हें? Cheater. I told you. आज ये छोड़ दिया। बात सुनो, कहाँ भाग रहे हो चीपस्टर? मेरे कमरे में डाका मारा था तुमने? किस चैनल पे आ रही है ये ब्रेकिंग न्यूज़ बाय द वे? बाबा से कंफर्म कर चुकी हूँ मैं। और मैं भी कंफर्म कर चुका हूँ कि असाइनमेंट तुमने नहीं, वफा ने बनाई और उसने तुम्हें ईमेल की, है ना? हाँ तो सारी रेफरेंस बुक्स मैंने दी थी उसे, फ्रेंड्स कर देते हैं एक दूसरे की हेल्प। तो मेरी भी करवा दो वफा से थोड़ी फ्रेंडशिप, हमारे साथ भी थोड़ी वफा ने भाले। चीपस्टर, बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें ये हरकत। मसलन कितने की? जल्द पता चल जाएगा। बाय साहब अब्दुल कुद्दूस, आई वेट। देख लूंगी तुम्हें। सारा ये तो बहुत ही चीप हरकत हो जाएगी, वो मेरा भी तो क्लास फेलो है। तुम बस ये बताओ मेरा साथ दोगे या नहीं? ऑब्वियसली दूंगी, फ्रेंड हो तुम मेरी। तो फिर मिलाओ ना कॉल, मिलाओ। तुम? आज हम जैसे बेवफाओं की कैसे याद आ गई? यार वो अरमान कॉल बैक कर लो, मेरे पास बैलेंस नहीं है। क्या कॉल बैक करूं? अच्छा यार वेट। सफाइयां दे रही हूँ उस झूठी की, इसलिए कि उसने बाकी मेरी हेल्प की थी। ठीक है, ज़ारा अपना काम खुद करती है, I swear. Anyways, मान ली तुम्हारी बात, अब खुश? ऐसे अपने नाम की अच्छी लाज रखती हो तुम। Thank you so much, Arman. That's very sweet of you. All right. Bye. इधर आओ।
अस्सलाम वालेकुम मॉम। डैड आपने मुझे बुलाया? लड़कियों को फोन पर हैरेस करते हो, शर्म नहीं आती? ये तरबियत दी है माँ ने तुम्हें? डैड, इसको बता दो मैं खराब रिजल्ट बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन खराब कैरेक्टर नेवर। हम मैंने किया क्या है? ओके, नाउ यू डोंट इवन रियलाइज कि तुमने किया क्या है। माय गॉड, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बाप को फेस नहीं कर पा रही। हम आप बताएंगी तो पता चलेगा ना हुआ क्या है। तुमने ज़ारा की फ्रेंड वफा को गंदे गंदे चीप चीप मैसेजेस किए और पूछ रहा किया क्या है। व्हाट, कैसे मैसेजेस? तुम्हें दिखा दो, चेक इट आउट योरसेल्फ। समझने को तैयार नहीं। ओह माय गॉड मॉम, आई स्वेयर ये फेक स्क्रीनशॉट्स है। अच्छा, ये फेक है? आज तुमने वफा को कॉल करके धमकियां नहीं दी थी? हाँ, दिखाओ अपना फोन, लेट मी चेक इट माइसेल्फ। दिखाओ, इधर दिखाओ, लुक इट, यू हैव कॉल्ड हर, जस्ट चेक। सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह की हरकतें करो। हम, लेकिन मॉम ये, आई डोंट ट्रस्ट यू। की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को पीने में भी कुदरत ने मजा रखा है। I swear, evil genius है वो लड़की, evil genius। अरे छोड़, मैं बताता हूँ कि अब क्या करना है। देख, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस उम्र में लड़के ऐसी हरकतें करते ही हैं। यार क्या मतलब ऐसी हरकतें करते हैं? इस लड़के ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो बच्ची ज़ारा की फ्रेंड थी, इसीलिए हमने सोचा हम खुद ही जाके माजरत कर लेते हैं। माजरत को छोड़ें और मेरी माँ ने तो लड़के की जल्द से जल्द शादी कर दी। जी भाई साहब, यू डोंट वरी, मैं इस लड़के का 2 महीने में करती हूँ कुछ। बाबा, जहलम से फोन आया, नरगिस चाची की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब है कि हमें तो जेलम के लिए जल्द निकलना पड़ेगा। बेटा पैकिंग करो, चलो। लेकिन बाबा, मैं कैसे जा सकती हूँ? परसों मेरी प्रेजेंटेशन है। बेटा, इतने बड़े घर में मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? लेकिन बाबा, प्रेजेंटेशन के मार्क्स काउंट होते हैं। भाई साहब, फॉर हाउ मेनी डेज यू हैव टू गो? कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ना? हाँ,
तो बेटा इट्स ओके यू कैन स्टे विद अस फॉर अ फ्यू डेज दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम लेकिन आंटी बेटा मजबूरी है इसका कोई और हल भी नहीं है भाई यार का दोस्त बिल्कुल बेफिक्र हो जा कहीं बात तो नहीं रह रही ना अपने ही घर में रह रही है ना बिल्कुल चलो कम ऑन पैक योर स्टफ एंड लेट्स गो वी'ल हैव फन चलो बेटा चलो ठीक सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ जी मैम जैनी वो तीन चार दिन के लिए हमारे पास आई शी इज आवर गेस्ट मेरी तरफ से सारी जिंदगी की रख ले जरूर रख लेते अगर तुम इस काबिल होते तो हेलो जैनी आ गई आजो 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 हां तुम्हें पसंद आया रूम जी कंफर्टेबल है ना फील एट होम ओके आओ बैठो मॉम अगर ये तीन दिनों के लिए आई गई है तो इसे कहें मेरी स्टडीज में हेल्प कर दे ओए पहले तुम इंसानों की तरह पढ़ने का इरादा तो कर लो क्यों नहीं करेगी ये हेल्प तुम्हारी क्यों बेटा जी हेल्प जी जी अंकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दोगी मुझे हाँ जरूर ठीक है फिर स्टडी रूम में मिलते हैं ऑलराइट सारा थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू देख रहे हैं कितनी लायक बच्ची है हमारे बेटे को हेल्प करेगी माशाल्लाह आ जाए मैम हाँ आई हो रही है enjoying कॉफी रखो पास बहुत मजा आ रहा होगा है ना मॉम टॉपिक बहुत टफ है और अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है ना हाँ अरे मॉम हलीम तो बनवाए सारा से बहुत दिल चाह रहा खाने का अरे क्यों नहीं ओ शी इज सो एक्सपर्ट इन कुकिंग ये तो एक घंटे में बना लेगी है ना जारा जी आंटी बस किचन में आ जाओ वो तुम्हारी हेल्प कर देगी हलीम तो कोई इशू ही नहीं है हैव फन चले मैम बाकी स्टडीज कल लेट्स गो बेबी जी और क्या क्या डालना हाँ बता रही हूँ नोट करो जी बगैर छिलका और कुचला हो चने की दाल जी प्याज जी और हाँ ये गोश्त ये गोश्त रखा और ये लीमू भी लीमू तो मैं बाद में काट दूंगी
हाँ मुझे पता है कि डलते हैं, आप अभी काट दें। वाह 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 वाह, क्या हनीम बना रही हो आज जारा, अमेजिंग। वाह भाई वाह, फाइनली चॉप्ड अनियंस, ब्यूटीफुल। थैंक यू। क्या मजे की खुशबू आ रही है उपले हुए पानी की। सही तड़का लगाया वैसे आई मस्ट से। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट 20 मिनट। वाह ज़ारा, आज कैसे इतनी जल्दी? अब टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं, आधा घंटा दे, मसला है। बाय बाय। बाजी और क्या डालना है? ये टमाटर डालना है ना, काट रही हूँ मैं जी। आप पानी उबाले ना, इतना काम करना है। यार बफाई के सजाब में फंस गई हूँ मैं, 3 दिन कैसे गुजारूंगी यहाँ पे? बेवकूफ लड़की, कैसे बता दूं उन्हें कि मैं अनाड़ी हूँ कुकिंग में। खिलाड़ी तो तुम खैर स्टडीज में भी नहीं हो। दाना बाजी अली, थैंक यू। बात सुनो, चलो ना। क्या है? ये वही हलीम है जिस पर तुम अपने नाम का टैग लगवा कर भिजवाती थी हमारे घर, याद है? सारा अब्दुल कुद्दूस निकल गया ना जुलूस। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ बात में मतलब, मॉम डैड को यही दे देना, मैं नहीं चाहता उनका तुम्हारे हवाले से बना हुआ परफेक्ट लड़की का इमेज खराब हो या उनका पेट। बनाऊंगी हलीम। ओह हेलो, बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टाइम मुझे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने होंगे तो मैं वफा को डायरेक्ट कॉल कर लूंगा। बिकॉज यू आर नॉट अ गुड टीचर एट ऑल। टाटा। सॉरी मत कहना, तुम पे सूट नहीं करेगा। दस साल की थी जब मामा की डेथ हो गई। उसके बाद बाबा ने सेकंड मैरिज नहीं की मेरी वजह से। आई नो। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस का मरकज सिर्फ मेरी जात थी। और तुमने उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए झूठ की चादर तान दी। शायद मैं उन्हें हमेशा खुश और एक प्राउड फादर की तरह देखना चाहती थी। वाओ, तुम उन्हें खुश करने के लिए कितने झूठ बोलोगी? दोनों घरों में मुझे लेट डाउन करती रही हो, अपनी फ्रेंड्स असाइनमेंट बनवाकर अपने नाम से जमा करवाती रही हो। तुम एक जीनियस नहीं, सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट हो जा रहा, एंड यू नो दैट। और अगर ये सब मैंने बता दूं तो? तुम नहीं बताओगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई खला नहीं जिसको पूरा करने के लिए तुम्हें किसी को लेट डाउन करना पड़े। लेकिन याद रखना जारा,
सच्चाई को ज्यादा देर झूठ के पर्दे में नहीं छुपाया जा सकता। लेकिन उन खामियों को तो दूर किया जा सकता है ना, जिसकी वजह से इंसान को फ्यूचर में शर्मिंदगी का सामना। कर सकोगी इतनी मेहनत? हाँ। क्यों? पता नहीं। परछाइयों को मेरी मुकम्मल कर रहा है तेरे इश्क का रंग, मुझ पर कुछ ऐसा चढ़ रहा है। सोचो मैं जो बातें बस तेरी बातें हैं, सांसें बची जो बची सब तेरी सांसें हैं। सोचो मैं जो बातें बस तेरी सांसें हैं, सांसें बची जो बची सब तेरी सांसें हैं। परछाइयों को मेरी मुकम्मल कर रहा है तेरे इश्क का रंग, मुझ पर कुछ ऐसा चढ़ रहा है। जाने नहीं दूंगा तुझे, कहे जो भी दुनिया कहे, हंस चाहे जग ये हंस। तू जो मिली रब की है मर्जी, यही दुनिया अधूरी मेरी तुझसे पूरी हुई। मुझको तू ही मेरी वफा, तुझसे ही जिंदगी मोहब्बत बन गई। सोचो मैं जो बातें बस तेरी बातें हैं, सांसें बची जो बची सब तेरी सांसें हैं। सोचो मैं जो बातें बस तेरी सांसें हैं, सांसें बची जो बची सब तेरी सांसें हैं। परछाइयों को मेरी मुकम्मल कर रहा है तेरे इश्क का रंग, मुझ पर कुछ ऐसा चढ़ रहा। देर हो रही है। एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। माइंड तो नहीं करोगी? नहीं। सुनो एक सेकंड, कितने का है?
माई डार्लिंग माई स्वीट हार्ट मॉम तभी मॉम तुम कोई बात कहना चाह रहे थे ना पहले प्रॉमिस करो इनकार नहीं करोगी हाँ डन सोच लो सोच लिया कोई छोटी बात नहीं है ये कोई छोटी बात करना भी नहीं मुझसे वो एक्चुअली मैं प्रपोज करना चाहता हूँ मुझे नहीं तुम्हारी फ्रेंड वफा को हेल्प करोगी ना मेरी क्या यार मुझे वो बहुत अच्छी लगती है आई रियली लाइक हर क्या अच्छा है उसमें तुम्हें पता है लड़की को क्या चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है वो है उसकी सिंसेरिटी जब वो एज ए फ्रेंड तुम्हारे साथ इतनी सिंसेयर है अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो आखिरी हद तक चली जाएगी और उसकी यही अदा तो मुझे भा गई है शी इज वन माई हार्ट प्लीज आज उससे बात करोगी ना कैंपस पे करोगी ना प्लीज चले हाँ चलो लेट्स गो लड़की को क्या चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है वो है उसकी सिंसेरिटी जब वो एज ए फ्रेंड तुम्हारे साथ इतनी सिंसेयर है अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो आखिरी हद तक चली जाएगी नॉलेज है यार इस लड़की के पास चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है आई एम वेरी इम्प्रेस्ड क्या कह रही थी कुछ नहीं यार सॉरी कर रही थी अपनी उस हरकत पर कल ले जाऊंगा कॉलेज के बाद कॉफी पिलाने वहां करूंगा इसे प्रपोज तुम वाकई सीरियस हो उसके लिए कम ऑन ज़ारा अब पूरे शहर में ऐलान करूंगा तब ट्रस्ट करोगी मुझे देखो मैंने उसके लिए डायमंड रिंग भी ले ली रिंग भी ले ली पता ये हमारी खानदानी रिंग है मेरे ग्रैंडफादर ने मेरी ग्रैंडमदर को और उन्होंने मेरी मां को अब मिलेगी मेरी लाइफ पार्टनर को कब दोगे उसे दिन तो चाह रहा था अभी जाके दे दूं लेकिन ऐसे थोड़ी ना दूंगा तो अरे यार रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर सॉफ्ट म्यूजिक वफा और ये डायमंड रिंग
चल मिलते हैं। क्या हुआ है? अल्लाह खैर करे। सारा क्या हुआ? सारा क्या हुआ? कोई लॉटरी तो नहीं निकल आई तुम्हारे? अरे लॉटरी की क्या औकात अरमान के सामने। अरमान क्या मतलब? आई स्टिल कांट बिलीव इट माई सेल्फ, मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा। तुम मुंह से कुछ फूटोगी भी कि हुआ क्या है? प्रपोज किया है अरमान ने, शादी करना चाहते हैं वो मुझसे, और तुम्हें पता है उसने मेरे लिए एक डायमंड रिंग भी लिया है। बेवकूफ लड़की, एक नंबर का फ्लर्ट इंसान है वो अरमान का बच्चा, दुनिया जहां का निकम्मा। अपने बाप की दौलत को इन रंग बिरंगी गाड़ियों में उड़ाने के अलावा उससे कोई काम नहीं आता। मतलब ये कि बिल्कुल सूटेबल नहीं है वो तुम्हारे लिए, बल्कि उसने तो मुझ पे भी लाइन मारने की कोशिश की, कहा कि इंसल्ट कर दी मैंने उसकी। तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती? अब अरमान जैसा चीपस्टर मुझ पे लाइन मारे, इसमें तो मेरी खुद की इंसल्ट है ना, बल्कि मुझे तो लगता है कुछ पीता पिलाता भी है। हाय अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप कब आए? मैं तो रात को ही आ गया था। आप लोग चाय पियोगे? बाबा हम बना लेते हैं ना खुद ही। मुझे तो लग रहा है हमने जो प्रैंक किया था ना उसके साथ, वो फेक स्क्रीनशॉट वाला, उसी का बदला ले रहा है वो तुमसे। वरना खुद सोचो, यूं अचानक बुखार की तरह उसे तुमसे कैसे मोहब्बत हो गई? अब फोन करके फौरन मना कर देना उसे। और खबरदार उसे ये मत बताना कि तुम्हारी मुझसे कोई बात हुई। थैंक यू यार, तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। लेकिन कल तो हमारी डेट थी। तो तुम्हारी इंटेलिजेंस किस दिन काम आएगी? बहुत अफसोस की बात है जारा। क्या? मुझे लगा हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है। दैट नाउ वी आर फ्रेंड्स। क्या? नाउ वी आर फ्रेंड्स। क्या कह रहे हो? यार इसे तो बंद करो। मैं कह रहा था मुझे लगा हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है। दैट नाउ वी आर फ्रेंड्स। हां तो वफा अपने कजन के साथ इन्वॉल्व थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ वो बताया था एक दफा उसने कि उसके चचा के बेटा। चचा का नहीं यार, पप्पू का बेटा। हाँ हाँ वही तो। क्या कहा उसने? क्या कहेगी, साफ इनकार कर दिया उसने। बताओ कौन करेगा मुझसे शादी? क्यों, किस चीज की कमी है तुम्हें? कमी नहीं यार, शादी है हर चीज की। करियर को लेके सीरियस नहीं हूँ, इमोशनल हूँ, खराब जीपीए लाता हूँ और बेइंतहा फजूल खर्च हूँ। हाँ तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि कोई लड़की इनकार कर दे। अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम कर लो मुझसे शादी। हाँ मैं देखा जहाँ कुर्बानी देने का वक्त है वहीं पीछे हट जाती हैं लड़कियाँ। वेरी सैड ज़ारा, वेरी सैड। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मतलब कोई बात खुद भी समझ लिया करो। टफर जूस पियोगे? व्हाई नॉट, बाबा के लिए बनाया।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाय ज़ारा, इन तस्वीरों में से एक फाइनल कर बताओ, कौन सी लड़की सूट करेगी तुम्हारे पड़ोसी के साथ? पड़ोसी मेरी पसंद की लड़की से कर लेगा शादी? यार तुम एक बार हुक्म तो करो, इनकार कर जाऊं तो क्या ना? तुम्हारे रिश्ते की बात की थी तुम्हारे चाचा से। मेरे रिश्ते की? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, फिर आपने क्या कहा? बेटा बहुत बड़ा फैसला है, मैं अकेले नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना जुनैद से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। क्यों हो गई? बताओ ना, किसको बनाऊं अपना लाइफ पार्टनर? मॉम को जवाब देना है आज मुझे। बताओ क्या जवाब दूं? जवाब ही दे दे। इंटरेस्टिंग। Juliet are here. I can see that. Wo auntie. Mom. Iska matlab hai haathi ke daant khane ki aur dikhane ki aur. Now I can see that. Okay. Mom, please baat kare na Quddus uncle se. Baat karne ki kya zarurat hai? Rishta to pakka hai. I can see that. लेकिन आंटी, इधर आओ मेरे पास, कम ऑन। मेरे बेटे में देखो क्या कमी है, इतना हैंडसम है, इतना एजुकेटेड है, इतने बड़े घर का मालिक है, बस थोड़े से नंबर्स ही कम आते हैं ना। तो कुद्दूस भाई को क्या इतराज हो सकता है, भला बताओ? लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने घर जाना होगा, ताकि हम जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता लेने आए। खुदा खुदा तो जल्दी से चली गई। ओ मेरा बेबी। थैंक यू मॉम। यू हैप्पी? यस। थैंक यू सो मच। जी जान। चाय? थैंक यू। कम ऑन बेटा ज़ारा, कम सिट विद मी। आ जाओ, शाबाश। भाई कद्दूस, हम दरअसल ज़ारा को अपनी बहू बनाने के लिए आए, और हम उम्मीद करते हैं कि तुम इनकार नहीं करोगे। अरे इनकार करने की क्या वजह हो सकती है? You can't refuse, है ना भाई साहब? और हमारा सब कुछ हमारे बेटे का ही तो है। जलाल, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम्हारे बेटे ने आज तक अपने बलबूते पर किया ही क्या है।
मतलब भाई साहब ये कैसी बातें करें, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखे भाभी, दोस्ती अपनी जगह। देखे मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल नहीं कर सकता जो अपने कैरियर को लेकर सीरियस ही ना हो, जो दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता हो और अपने बाप का पैसा गाड़ियों पर खर्च करने के अलावा उसके पास कोई काम ना। देखो कुद्दूस, मेरा बेटा केयरलेस जरूर है लेकिन कैरेक्टरलेस नहीं है। और कौन सी लड़की के साथ उसने फ्लर्ट किया है? जारा बेटा, इनको वो सारी बातें बताओ जो उस दिन तुम वफा से कर रही थी। इनको बताओ कि वो तुमसे भी फ्लर्ट कर रहा था लेकिन तुमने उसे झाड़ दिया, और ये डायमंड रिंग खरीदता फिर रहा था वफा के लिए। वो बाबा, रहने दो बेटा, इतनी घटिया बातें दोहराने की जरूरत नहीं है। और जलाल, अपने बेटे की शादी करके किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम अपने बेटे की तरबियत ठीक करो। बस कद्दूस, बस बहुत हो गई। अगर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देना तो मत दो, लेकिन मेरे बेटे की कैरेक्टर असैसिनेशन मत करो। बिल्कुल, चलो तस्कीन, लेट्स गो। ओके, इधर। आज से हमारा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। खत्म, फिनिश, फिनिश। इस कद्दूस की, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ओ माय गॉड, मैं तो हैरान थी कि इनको किसी का शर्म लिहाज ही नहीं है। कैसी शर्म, कैसा लिहाज? जब छोटे बर्तन में ज्यादा पड़ जाए तो फिर ऐसा ही होता है। देखा था मेरे बेटे के बारे में कितनी झूठी झूठी बातें कर रही थी वो लड़की अपने बाप से। एक बात गौर से सुन लो मेरी, अगर आइंदा इस कद्दूस की बेटी तुम्हारे आस पास भी मुझे नजर आई तो जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। बाबा, आपकी दवाई। थैंक यू बेटा। बाबा, बेटा मैं जानता हूं तुम्हें अरमान पसंद है। मुझे फखर है मेरी बेटी को अच्छे बुरे की पहचान है, इसीलिए तो आईना दिखाकर भेजती है उन लोगों को। दौलत के खुमार में मुंह उठाकर चले आए थे मेरी लाइक फाइक बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। सीए किया हुआ है जुनेद ने, हर लिहाज से बेहतर है अरमान से, इसीलिए मैंने तुम्हारे चाचा से हाँ कर दी। ने वफा से मेरे बारे में इतनी चीप बातें की, मैं जरा शर्म नहीं है ये सब कहते हुए। सॉरी अरमान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी इसलिए झूठ बोला। झूठ झूठ झूठ, हर बात पर झूठ, देख लिया ना उसका अंजाम। जो गड़ा तुम दूसरों के लिए खोदती आई थी आज खुद आ गिरी हो उसमें। मुझे क्या पता था कि बाबा सब कुछ सुन लेंगे। ना सिर्फ सुन चुके हैं बल्कि मेरे पेरेंट्स के कानों में भी जहर घोल चुके हैं। मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी। तुम्हारे सच बताने से मेरे डैड और उनकी दोस्ती के बीच में आई दरार खत्म हो जाएगी। वो सारी तल्ख बातें उनके ज़हनों से रिमूव हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा जारा।
अरमान प्लीज खुदा के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पापा ने मेरी बात तय कर दी है जुनैद से। तुम्हें तुम्हारा चुन दे मुबारक हो। मैं डैड को मजीद लेट डाउन नहीं कर सकता अपनी वजह से। I'm sorry, sir. टाइम देखा है तुमने? टाइम मत देखिए, वैसे मेरा बुरा वक्त चल रहा है। आइंदा मेरी बेटी और मेरे घर के आसपास मत दिखाई देना। नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आइंदा मेरी गलतियों की सजा मेरे पेरेंट्स को मत दीजिएगा। अगर पेरेंट्स का इतना ही ख्याल है तो अपने आप को सुधार क्यों नहीं लेते? सुधरने का एक मौका तो दिया होता, कुछ नहीं तो इंसान होने का मार्जिन ही दे देते। कौन नहीं होता इस उम्र में केयरलेस अंकल, और आपके पैसों पे तो सारे शौक पूरे होते हैं ना। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद सब सीरियस हो ही जाते हैं। आपने एक बार मुझे वो मान और मोहब्बत तो दिया होता जो सारी जिंदगी मेरे पेरेंट्स ने आपकी बेटी को दिया, और कभी उसकी गलतियों को आपके सामने नहीं जताया। मुझे मुबारकबाद देकर मेरी दुनिया से निकल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लागे दही मन लागे दही, क्यों मेरे किस्मत जागे दही, तन्हा रहूं तन्हा। लागे दही मन लागे क्यों मेरी किस्मत जागे नहीं, तन्हा रहूं तन्हा। होने लगा है क्यों यकीन जैसे मेरा कोई नहीं, लेता रहेगा वक्त इम्तिहान क्या मेरे खुदा। समझा जैसे वो हम सफर है, दिया उसने साथ कहा। बढ़ता रहा हर पल अंधेरा, जाने कहाँ था वो सवेरा। समझा जैसे वो हम सफर है, दिया उसने साथ कहा। होने लगा है क्यों यकीन जैसे
हेलो वफा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज बीच में टोकना नहीं। वो मैंने अरमान के बारे में तुमसे जो कुछ कहा था वो सब झूठ था। मैं अपनी मोहब्बत को लेकर बहुत सेल्फिश हो गई थी बाबा, इसीलिए झूठ बोल दिया। शायद इसी बात की सजा दी अल्लाह ताला ने मुझे। आई नो, और एक एतराफ मुझे भी तुमसे करना है, अरमान को मुझसे नहीं तुमसे मोहब्बत थी। और तुम्हारे सारे मोहब्बत सुनने के लिए उसने वो रिंग वाला ड्रामा किया था, उसमें मैंने उसका साथ दिया, आई एम सॉरी। लेकिन अब तुम्हारा साथ मैं पढ़ाई में नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तुम्हें अपाहिज नहीं बनाना चाहती। अरमान ने अपना स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर कर लिया है और तुमने? मैं फेल हो गई हूँ, आई नो। क्या हो गया तुम्हें बेटा? आज पार्क में प्रोफेसर हाशमी साहब भी मिले थे, वो कह रहे थे कि मेरी कल की प्रेजेंटेशन बहुत बुरी थी। यही कहा होगा है ना? बेटा तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैं नहीं थी अच्छी, सिर्फ आपको खुश करने के लिए वफा को पे करके बनवाती थी असाइनमेंट्स। उसके बनाए हुए नोट से रट कर लाती थी अच्छे मार्क्स, सिर्फ आपको खुश देखने के लिए। बहुत अच्छी इंसान बनने के चक्कर में बहुत बुरी इंसान बनती जा रही थी। लेकिन अब सोच लिया कि झूठ नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं बोलूंगी बाबा। मॉम, डैड, कबूस अंकल के घर एम्बुलेंस आई है। हाँ, तो? तो? क्या मतलब तो? हाई बीपी के पेशेंट है वो। तो बेटा इट्स ओके, हमें हाई ब्लड प्रेशर कराने की जरूरत नहीं, आराम से बैठ जाओ। मॉम, उनको कुछ हो गया तो जारा बेचारी क्या करेगी अकेली? मैं जा रहा हूँ। अरमान, आराम से बैठो, चलो सैंडविचेस खाओ, बैठो। सॉरी मॉम, मैं आप लोगों की तरह बेहिस नहीं हो सकता। अरमान, अरमान, look at him, हो? जाने दो, ठीक कर, it's okay. I don't know what's wrong with this Saif ur Rehman. बेचारी रहमा के साथ पता नहीं क्या जुल्म करता है। भाई तुम अपने ड्रामे देखो, मैं तो चल रहा हूँ सोने अब। तो छोटी सी लड़की है बेचारी। हाय ला, खैर हो, इतनी तेज गाड़ी चला के क्यों आया अरमान? आई होप एवरीथिंग इज ओके। कद्दूस अंकल को एंजाइना का अटैक है। बच तो जाएगा ना, देख लें जाकर खुद। उस बच्ची बेचारी को तो अकेला छोड़ के आ गए हो? लेने आया हूँ आप लोगों को। मॉम, रिश्तों से ज्यादा अहम नहीं होती है जिद और अना। डैड,
बस कर देना डैड प्लीज, छोटी बातों पे खत्म नहीं किए जाते इतने गहरे ताल्लुक। मरने वालों पर पछतावों के आंसू बहाने से बेहतर है हम अपने जिंदा लोगों की कदर करें। प्लीज मान जाए मेरी बात, प्लीज मान जाए। चलो चलते हैं। ठीक है बेटा। सॉरी बाबा, मैंने बहुत हर्ट किया है आपको। I'm sorry. I swear. एक अच्छी स्टूडेंट ना सही, एक अच्छी इंसान जरूर बन के दिखाऊंगी आपको। मेरे बाबा फखर करेंगे अपनी बेटी पर। प्लीज ठीक हो जाए ना बाबा, प्लीज ठीक हो जाए। मैंने अरमान पे सारे झूठे इल्जाम लगाए थे, उसी की सजा मिल रही है मुझे। और मुझे आपसे कुछ और भी कन्फेस करना है। अच्छा क्या? मुझे कुकिंग नहीं आती। वो सारे खाने में होम डिलीवरी से मंगवाती थी आपको इम्प्रेस करने के लिए। और मेरे अच्छे मार्क भी मेरी दोस्त वफा की वजह से आते थे, अब तो उसने भी मेरी हेल्प करने से मना कर दिया है, इसलिए फेल हो गई हूँ मैं टेस्ट में। हौसला करो। लेकिन अब मामा को क्या हो गया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। हौसला करो, he'll be fine, don't worry. बेटा जारा को बाहर ले जाओ। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? डोंट वरी बेटा, ही विल बी ऑलराइट। जूस पिलाओ बेटा, जाओ। सर जिंदगी के आंसू आज ही बहोगी। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कम ऑन यार ज़ारा, गलतियां इंसानों से होती हैं। तुम भी मुझसे खफा हो ना? तुमसे नहीं, खुद से खफा हूं, क्योंकि कुछ नहीं कर पाया ना तुम्हारे लिए। सिस्टर, रूम नंबर 5 के पेशेंट को होश क्यों नहीं आ रहा है? रूम नंबर 5? कुद्दूस साहब की बात कर रही हैं आप? जी जी, उन्हीं की। अभी जब आप लैब गई थी तो 15 मिनट मेरी उनसे गपशप हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक है वो, बेहोश नहीं है। तुझे कहा था एक्टिंग करने को, जाली किस्म की, तू सचमुच बीमार हो गया। यार फील करने के चक्कर में बाकी सीने में दर्द उठ पड़ा, वैसी इतनी भी तबीयत खराब नहीं है मेरी, डॉक्टर कंफ्यूज है। डॉक्टर कंफ्यूज। स्लोली
बच्चों ने सुन लिया तो वैसा बोले। अरे सुने के छोड़े आप, कैसा तीर की तरह सीधा किया दोनों को मेरे। और शुक्र है तूने जारा की बातें सुन ली। सॉरी अरमान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए झूठ बोला। झूठ झूठ झूठ, हर बात पर झूठ। देख लिया ना उसका अंजाम, जो घड़ा तुम दूसरों के लिए खोती आई थी आज खुद आ गिरी उसमें। मुझे क्या पता था कि बाबा सब कुछ सुन लेंगे। वो ना सिर्फ सुन चुके हैं बल्कि मेरे पेरेंट्स के कानों में भी जहर घोल चुके हैं। मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी। तुम्हारे सच बताने से मेरे डैड और उनकी दोस्ती के बीच में आई दरार खत्म हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई साहब ने अपनी बेटी की सारी गलतियों को डिफेंड करने की बजाय उसकी इसलाह की है, और इसी चक्कर में हमारा बेटा भी सुधर गया। और भाभी आकर आपसे माफी भी तो मांग ली थी ना। हाँ, और तू तो पैदाइशी एक्टर है, लेकिन जॉगिंग ट्रैक पे मैंने जो ट्रेनिंग ली है, मेरी एक्टिंग देखी थी। बाय द वे, ये सारा आइडिया और स्क्रिप्ट तो मेरा ही था ना। ये बात तो है भाभी। ओ चलो, तुम्हारा स्क्रिप्ट था, तुम्हारे ड्रामे देखने का कोई तो फायदा हुआ। बाबा हम सब सुन चुके हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या समझते हो कि प्रैंक जो है यंगस्टर ही कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। वैसे अंकल, हमारे प्रैंक्स को आपके एक्सपीरियंसेस कभी बीट नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर बाहर कह रहे हैं पेशेंट बिल्कुल फिट फाट है, ले जाए इसे घर। चले चले, कितना सुना रहेंगे, बस ना, बहुत हो गया। चलो लेट्स गो। ये मैं हूँ अरमान जलाल, जिसने जिंदगी के 21 साल बाद ज़ारा कुद्दूस को ये सिखा ही दिया कि दूसरों को नीचा दिखाकर इंसान कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। और हर वो इमारत जिसकी बुनियाद झूठ पर रखी गई हो, वो किसी ना किसी दिन अपने ही कदमों पर आ गिरती है। इसलिए सच बोलना और दूसरों की गलतियों को दरगुजर करना सीखे, इसी से जिंदगी खूबसूरत और आसान होती है। मोहब्बत बन गई, परछाइयों को मेरी मुकम्मल कर रहा है।